हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करें फ्रेंड्स एक बिग रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि RERM पब्लिक स्कूल्स की तरफ से, जहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू पे प्रोसेस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं कि ये कौन से स्कूल है, कहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, इसके अलावा इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और इसके अलावा जानेंगे दोस्तों हम कि इसका इंटरव्यू कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ, जहाँ पे आपको सारी PDFs नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। नाउ चलते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं इस वॉकिंग इंटरव्यू के बारे में, कहाँ से नोटिफिकेशन आ रही है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सो ये वैकेंसीज आ रही है दोस्तों आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल्स मानन मामून कैंट की तरफ से। आर्मी पब्लिक स्कूल्स मामून रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टाफ अगेंस्ट द एक्सिस्टिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसी थ्रू द वॉकिंग इंटरव्यू। पोस्ट आ रही है दोस्तों आपकी PGT मैथ्स की, फाइन आर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन की, और PGT में दोस्तों कंप्यूटर साइंस की, और आपका स्पेशल एजुकेटर की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, एज पर CBSE लॉ है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है इन पोस्ट के लिए। सो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको चाहिए PGT में, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथ की, या फिर अल्टरनेटिव्स में PG इन स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए, या फिर ऑपरेशनल रिसर्च प्रोवाइडेड इट्स प्रीसीडेड बाय द ग्रेजुएशन इन मेन मैथ होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमएससी या फिर MEd इन मैथ्स फ्रॉम द RE रिकोगनाइज NCERT यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी BEd भी कम्प्लीट होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। तो ये दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन है PGT मैथ्स के लिए। इसके अलावा नीचे आते हैं, फाइन आर्ट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड। कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है उसके लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी BCA या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, है ना, या फिर BTech होनी चाहिए कंप्यूटर में, और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट्स एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम द DOE ACCC मिनिमम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए दोस्तों आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है BPED 4 ईयर डिग्री कोर्सेज और 3 ईयर डिग्री कोर्सेज, 1 ईयर BPED डिप्लोमा और BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, प्लस 1 ईयर BPED। तो इनमें से कुछ भी अगर है आपके पास तो आप एलिजिबल है फ्रेंड। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की अगर एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या डी एड होना चाहिए बी एड होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, और CSE स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और CTET है तो बेटर, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं है आपको। बट आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर के लिए दोस्तों आपका CSE स्कोर कार्ड और CTET की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। तो अगर ये क्वालिफिकेशन है आपके पास, आप वॉकिंग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखते हैं कि वॉकिंग इंटरव्यू का फ्रेंड, वापस चलते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी, तो मैंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दिया है। अब वॉकिंग इंटरव्यू का फ्रेंड, तो वॉकिंग इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 19th of March 2022 एट APS मामून। डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट www.APS मामून इन रिपोर्टिंग टाइम विद एप्लीकेशन फ्रॉम डली फील्ड ऑल ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एट 8 AM ऑन 19th of March 2022। तो सिंपली दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको डाउनलोड करनी है, उसे फिल करना है पूरी तरीके से, और जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्लस अगर CSE है तो CSE डालिएगा, और CTET भी अटैच कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, 19th of March को वॉकिंग इंटरव्यू में चले जाना है। पे आपको कोई DD बनवाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली केवल वॉकिंग इंटरव्यू फ्रेंड, तो आप सिंपली फॉर्म फिल करके उस स्किल में विजिट कर लीजिएगा, बाकी का प्रोसेस आपको वहीं पे बताएंगे। अब मैं आपको यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स मामून की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, जब तो ये देखिए नोटिस बोर्ड पर सर्कुलर ये चल रहा होगा वॉकिंग इंटरव्यू, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो आपका ये नोटिफिकेशन
डाउनलोड हो जाएगा जो कि मैंने आपको दिखाया है। वॉकिंग इंटरव्यू 2022-23 विल बी हेल्ड ऑन 19th of March 2022। सो यही की अपडेट थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी है थी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।